हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल न्यू एरा फिजिक्स क्लासेस को। सबसे पहले दोस्तों, आप सभी को होली त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम दोस्तों उस टॉपिक को लेकर डिस्कशन करेंगे जो कि है आईआईटी जैम 2019 के रिज़ल्ट को लेकर। देखिए, इस बार का जो रिज़ल्ट आया है वो सीरियसली बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है, क्योंकि इस तरह से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन और रैंक का डिस्ट्रीब्यूशन आज तक के हिस्ट्री में नहीं हुआ था। लेकिन हम कह सकते हैं दैट्स द पावर ऑफ इजी क्वेश्चन पेपर। जब भी कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर अगर इजी बन जाता है तो स्टूडेंट के लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ज़रूर खड़ी होती है और कहीं ना कहीं ईजी जो है वो भी हो जाता है। देखिए, अगर हम जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को लास्ट ईयर की कंपेरिजन करें, लास्ट ईयर में जो मार्क्स था और इस बार जो था, तो 40 मार्क्स वाले का लास्ट ईयर रैंक था वो 310 था, और इस बार वही बता रहे हैं हमें कि उनकी रैंक 1699 या 1700 के आसपास है। सो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ये सही में शॉकिंग है। ऐसा रिज़ल्ट जो है, मतलब आईआईटी, पहली बात तो ये है कि जो पेपर आया था आईआईटी जैम का वो आईआईटी लेवल का पेपर ही नहीं था। यानी ये जो आईआईटी इंस्टीट्यूट्स हैं ये अपनी ही वैल्यू गिरा रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन पेपर को टाइप करके। अब जो स्टूडेंट जिसने किया है अच्छी तरीके से, उनके लिए तो कॉन्ग्रेचुलेशंस हैं, वो एडमिशन्स ले सकते हैं, टॉप अगर आईआईटीज मिल रहा है। लेकिन उनके लिए भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो मैं अभी आज आपके साथ डिस्कशन करूंगा। सो ध्यान से सारी बातों को सुनिए। लेकिन मैं जो ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ये मेरा टारगेट उन कैंडिडेट्स के लिए है जिनकी रैंक जो है वो बहुत ही ख़राब आई। उनको क्या करना चाहिए, क्या उनके लिए रास्ते बंद हो चुके हैं या उनके लिए उससे भी कोई बेटर ऑप्शंस बचा हुआ है। सो फ्रेंड्स, आप मेरी हर एक बात को ध्यान से सुनिएगा, ये आपको बहुत ही यूज़फुल होंगे। और अगर आप नहीं सुनेंगे, आप आंख बंद करके कहीं पर भी कोई किसी भी चीज़ में एडमिशन ले लेंगे तो बड़ी ही दिक्कत आएगी। सो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको सबसे पहले ही बताता हूँ कि ट्रू मीनिंग ऑफ फिज़िक्स क्या है, क्योंकि आप सभी लोग जिन्होंने पेपर दिया था वो कहीं ना कहीं फिज़िक्स से जुड़े हुए होंगे, तभी उन्होंने आईआईटी जैम फिज़िक्स का पेपर दिया हुआ है। यानी यू आर अ वेरी साइंस ओरिएंटेड और मेनली फिज़िक्स ओरिएंटेड गाइस। क्यों, अगर आपको फिज़िक्स पढ़ना है तो आप ज़रा सोचिए, आपने 12वीं पास करी साइंस स्ट्रीम से, आपने बीएससी में एडमिशन लिया, आपने 12वीं में भी कहीं ना कहीं कोशिश करी होगी आईआईटी के एडमिशन्स के लिए, जेई मेन्स या जेई एडवांस करने की कोशिश करी होगी, एससी वर्मा लगाया होगा, इरोडोव लगाया होगा आपने वहाँ। आप मान लीजिए कि आप वहाँ सेलेक्टेड नहीं हुए, तभी आप बीएससी कर रहे थे किसी न किसी यूनिवर्सिटी में। सो आपने फिर 3 साल बाद उसी ट्रेंड को दोबारा फॉलो किया जो कि आपको नहीं करना चाहिए था, कि आईआईटी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सिर्फ आईआईटी में जाना आपका करियर सेट नहीं होता है। आईआईटी में जाके आप ये सोच लोगे कि यार मेरा अब सब कुछ सेट हो गया, मैं अब अच्छा पैसा कमा लूँगा, अच्छी जगह जॉब लग जाएगी, अच्छा लाइफ स्टाइल हो जाएगा, वो कुछ नहीं होगा। अगर आप पढ़ने वाले नहीं हैं, आप 10,000 प्रॉब्लम सॉल्व करके आपने एंट्रेंस क्रैक कर लिया है और आप आईआईटी में एडमिशन ले लिया है आपने, और आईआईटी में जाने के बाद आपको पता ही नहीं है कि आपको करना क्या है, तो फिर उस एंट्रेंस का, उस एडमिशन का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। सो सबसे पहली बात आपको ध्यान दिमाग से ये हटा लेना है कि अगर आईआईटी में एडमिशन नहीं मिला तो मैं फिज़िक्स पढ़ने लायक नहीं, ये आप सबसे पहले दिमाग से हटा लीजिए। क्योंकि जो स्टूडेंट, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं फ्रेंड्स जिन्होंने आईआईटी से पढ़ाई तो नहीं करी है, लेकिन आज की डेट में वो बहुत ही अच्छे पोस्ट पर फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, फिज़िक्स पढ़ा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप फिज़िक्स से जुड़े रहिए, क्योंकि फिज़िक्स तो आप क्या, फिज़िक्स का भी आपसे डिमांड करती है कि भैया मेरे को पढ़ने के लिए इस कॉलेज में एडमिशन लो। क्योंकि आपको मैंने देखा है कि आप क्या कह सकते हैं, फिज़िक्स एक सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट में आपको कोर्सेज प्रोवाइड कराए जाते हैं कि आज ये वाला हम मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो आज थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। आप जाके चेक करो ना यार, कि इवन कुछ ऐसे आईआईटीज हैं जिनका कोर्स स्ट्रक्चर इतना भद्दा है, इतना मतलब बकवास है कि आप उस कोर्स स्ट्रक्चर को लेकर नहीं पढ़ पाएंगे अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो इतनी अच्छी कोर्सेज प्रोवाइड करा रहे हैं, इतने अच्छे कोर्सेज प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप उनके बारे में क्यों नहीं सोच रहे हो। आप मुझे सबसे पहले इसका जवाब दो कि आप सही में फिज़िक्स पढ़ना चाहते हो या टैग लगाना चाहते हो, आप लाइफ स्टाइल चाहते हो, आप पैसा चाहते हो। आपको अगर फिज़िक्स पढ़ना है तो आपको किसी डिग्री की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, किसी भी इन्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है।
आपको मैं बता दूं इतनी बात, और दिमाग में आप ये फिट कर लीजिए, द ओनली वे टू अंडरस्टैंड फिजिक्स इज टू डू फिजिक्स। ये एक लाइन है जो आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपको फिजिक्स समझनी है तो आप फिजिक्स को करिए, आप वेस्ट मत करिए टाइम की एंट्रेंसेस में। जिनका हो गया उनको तो मैंने पहले ही बोल दिया कॉन्ग्रेचुलेशन है, वो आप जा सकते हैं, लेकिन आप भी जरा ध्यान दीजिए। मैं जरा थोड़ा पॉइंट करूंगा अभी थोड़ी देर के बाद, उसको भी जरा सुनिएगा कि अगर आप चले जाते हैं, बाय चांस सोचिए कि आपने, मान लीजिए मैं आप एग्जांपल बता रहा हूँ, आईआईटी मद्रास में आपने एडमिशन ले लिया। अब आपको आईआईटी मद्रास में जब जाने के बाद आपको, क्योंकि अभी तो आपको कुछ नहीं पता कि यार वहाँ फैकल्टी कैसी है, हाँ आपको वेबसाइट पे कुछ लिखा हुआ कुछ और मिलेगा, हो सकता है कि आप जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ कुछ और हो। क्योंकि एक बार की बात है, आइजर्स में एक मतलब स्टूडेंट ने मेरे को बताया था कि आइजर तिरुवनंतपुरम में ग्रेविटेशन एंड एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड एक टॉपिक हुआ करता था, वहाँ पर जो उसने वही सोचकर आइजर में एडमिशन लिया, आइजर में उसने इंटरव्यू क्रैक किया, लेकिन जब वो गया तो उसी साल जितने भी फैकल्टीज थे ग्रेविटेशन से रिलेटेड वो सब आईआईटी बॉम्बे में चले गए। सो आप जरा सोचिए, जो कोर्स आपने सेलेक्ट किया है वहाँ पर उसके लिए फैकल्टी ही ना हो तो आपका तो लाइफ एक तरीके से स्पॉइल हो गया, आपका लाइफ तो बिल्कुल ख़राब हो गया। सो आप क्या करेंगे? सो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि भले ही आपकी रैंक 5000 हो या 4000 हो या 2000 हो या 1500 हो, 1000 हो, 900 हो, जितनी भी रैंक है, आप उस रैंक को एक्सेप्ट करिए और भूल जाइए कि यार आपने कोई आईआईटी जैम का पेपर भी दिया था। सॉरी बट आप भूल जाइए इस चीज़ को कि मैंने कोई पेपर भी दिया था। पहली बात तो ये नाकामयाबी है आईआईटी खड़गपुर की। पहली बात तो क्या काम कर रहा है, मतलब मैं तो सोच भी नहीं पा रहा हूँ कि वो क्या काम कर रहा है इस बार। जो रिज़ल्ट उसे आज की डेट में पब्लिश करना चाहिए था सोच समझ के, उसने दो दिन पहले ही कर दिया। और याद होगा कुछ स्टूडेंट्स ने ये प्रॉब्लम फेस भी करी होगी कि जब उसने रिस्पॉन्स शीट डाला था उस टाइम पर उसने आंसर भी साथ में डाल दिए थे जो कि सारे गलत थे। तो ये जो प्रॉब्लम होती है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, तो थोड़ा आप एक दो दिन वेट भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि अब कुछ ऐसा चेंज होने वाला है, क्योंकि दो दिन हो गए हैं और अभी तक कोई ऐसा अपडेट आया नहीं है कि हाँ कुछ प्रॉब्लम हो, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ। सो आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए अगर आपने क्वालिफाई किया है, और आपने बगैर इंस्टीट्यूट के क्वालिफाई किया है, बगैर किसी हेल्प के किसी बगैर गाइडेंस के क्वालिफाई किया है, तो आप उन सबसे बेटर हैं जिन्होंने कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ के, जिन्होंने पूरे पूरे दिन वहाँ पर बैठ के कुछ ना कुछ किया है, ठीक है। तो आपको ये एक्सेप्ट करना है, आपके लिए रास्ते अभी बहुत खुले हुए हैं दोस्तों। मैं आपको बता दूँ, आईआईटी ध्यान देना, एक चीज़ और ध्यान देना, जिनकी रैंक 600 से ऊपर है और 1000 से नीचे है, मैं आपको थोड़ा बता दूं, 600 के अंदर है जिनकी, उनको आईआईटी मिल जाएगा, इतना तो श्योरिटी है। 600 के अंदर जिनकी रैंक है उनको आईआईटी मिल जाएगा, लेकिन मिल जाएगा कौन सा मिलेगा मैं अभी बताऊंगा आपको। 600 से ऊपर है जिनकी रैंक, उनके लिए अब क्या ऑप्शन है, आप एनआईटी में मत जाइए। अगर आपको एनआईटी राउरकेला, एनआईटी कैलीकट और एनआईटी तिरुचिपल्ली जैसे कॉलेजेस मिल रहे हैं तो आप जा सकते हैं। मैं आपको जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि हाँ आप जाइए ही वहाँ पर, वो बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, आप जा सकते हैं, ठीक है। तो आप जा सकते हैं, अगर आपको जाना है, टैग लगाना है, फीस आपके पास बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, घर में पैसा है, तो आप जाइए। 55,000 रुपये फ़ीस होगी, 50,000 रुपये फ़ीस होगी पर सेमेस्टर की, आप भरिए फीस, एंड देन मुझे दो साल के बाद ज़रूर बताइएगा कि व्हाट, मतलब आपको क्या मिला वहाँ से, ठीक है, आपको क्या नॉलेज गेन हुआ, आपको जो स्पेशलाइजेशन चाहिए थी वो मिली या नहीं मिली। मैंने एनआईटी तिरुचिपल्ली का सिलेबस देखा तो जो मैथमेटिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं जिनको थ्योरेटिकल फिजिक्स अच्छा लगता है उनके लिए वो बेकार है, क्योंकि वहाँ पर एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स पे काम होते हैं ज़्यादातर। तो आप चेक कर लीजिए, मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। अब जिनकी रैंक 1000 से ऊपर है तो आप जरा और सोचिए, उनको भी एनआईटी मिल जाएगा, 1500 के अंदर वालों को एनआईटी मिल जाएगा, इतना तो फिक्स है कि इस बार 1500 के नीचे जिनकी रैंक है उनको आईआईटी एनआईटी मिल जाएगा। सो आपको अब करना क्या, देखिए आपके पास उन सबसे बेटर ऑप्शंस अभी सामने पड़े हुए हैं, आप उनके लिए नहीं सोच रहे हैं, और जो गया है अब आप उसके लिए सोच रहे हैं। मुझे कमेंट्स कर रहे हैं स्टूडेंट्स कि सर मेरे इतनी रैंक है, मेरी लाइफ स्पॉइल हो गई, मैं अब फिजिक्स नहीं पढ़ूंगा, क्या करूं। तो अब आपके पास उससे बेटर ऑप्शन सामने है यार, एग्ज़ाम 29 मई को है JNU का, एग्ज़ाम जो है DU का अभी मई में होने वाला है, जून में, अभी BHU का एग्ज़ाम बाकी है, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का बाकी है, तो आप क्यों नहीं तैयारी कर रहे हो, आप क्यों पिछले के बारे में सोच रहे हो। छोड़ो ना यार कि क्या आईआईटी में क्या होता है, आईआईटी में आपको मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एंड आईआईटीज़ क्या है।
ठीक है। तो अभी आपके पास जो सामने ऑप्शंस पड़े हैं आप वो नहीं सोच रहे हैं और आप पुरानी बातों को लेकर बैठ जाएंगे, तब तो आप इवन सिक्स सेमेस्टर जो आपको चल रहा होगा उसमें भी आप गलत ही करेंगे, खराबी करेंगे, ठीक है। तो आपके पास अभी जितना ऑप्शंस पड़ा हुआ है ना, अब आप वो सोचिए जो सामने आपके पास है, जो जो बीत गया अब आप उसे भूल जाइए। सामने क्या पड़ा हुआ है, तो सामने है मेरे पास सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की अपॉर्चुनिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी है, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी है, इतने अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ की अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने हैं और आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ठीक है। तो ज़रा सोचिए, आपने खुद ही 3 साल फिर आप शांत बैठे BSc किया, आपने खुशी खुशी आप कॉलेज लाइफ में इंजॉय किया, और फिर अभी इस ईयर में आके आपने थोड़ा अगर ख़राब परफॉर्म कर लिया तो अब आप अपने सर को पीट रहे हैं दीवार में कि यार मैंने ख़राब कर दिया। सो बेकार चीज़, बेकार वाली बात है। आप फिर MSc देखिए, आपको करना है क्या, अगर आपको IIT चाहिए ना तो आप 2 साल और कर लीजिए। 3 साल आपने BSc करी ना, 2 साल और MSc किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करिए। नेट JRF के लिए आपके पास 2 साल का टाइम है, साल में 2 बार होता है, 4 बार आपको पेपर में देने का मौका मिलेगा। उसकी जो स्कोर होती है वो अनलिमिटेड टाइम के लिए वैलिड होती है। आप IIT में एडमिशन ले लीजिए, एक बार दीजिए नेट JRF, अच्छा नहीं हुआ दूसरी बार दीजिए, तीसरी बार दीजिए, चौथी बार दीजिए, पांचवी बार दीजिए, गैप देख करिए। IIT में PhD के लिए उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती जितनी मेहनत, जैसे जैसे आप अपना एज बढ़ाओगे और क्लासेस बढ़ाओगे तो उतना आसान हो जाता है IIT में एडमिशन लेना, ठीक है। तो ये बात है आपको दिमाग में फिट कर लेनी है, जो सामने आ रहा है आप एंट्रेंस उसके लिए तैयारी करनी है, जो बीत गया है वो नहीं, ठीक। अब आते हैं उनकी बात करते हैं जिनको जो है रैंक मिला है 600, 700, 800, 900, तो उनके लिए क्या ऑप्शंस बचे हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस बार का जैसा कि मुझे पता चला है कि एक ही रैंक वाले करीबन 2 से 3 स्टूडेंट्स हैं। अब आप ध्यान लगाइए, 100 रैंक से नीचे जिनके हैं वो अराउंड 200 स्टूडेंट्स हो सकते हैं। 100 रैंक से नीचे वाले स्टूडेंट, क्योंकि होता है ऐसा कि सेम अगर मार्क्स आ रहा हो और उनका पॉजिटिव टू द नेगेटिव रेशो भी अगर सेम है तो उनको सेम रैंक दी जाती है और उन दोनों को ही एडमिशन प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये तो गलती कर दी IIT खड़गपुर ने, इस बार पेपर इजी देखे जिससे कि जो सेम मार्क्स लाने वालों का जो इंटरवल है वो बढ़ा है, जिसकी वजह से रैंक देनी पड़ गई है इक्वल और स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो बढ़ गई है। तो 100 से अंदर रैंक वालों की संख्या मेरे हिसाब से 150 से लेकर 200 स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो टॉप के IITs तो इनके पास चला ही गया, यानी लेस देन 100 रैंक्स को IIT मिलेगा, वो भी टॉप के 5 वालों में। तो इस बार आप जरा सोचिए कि कैसे आप नए IITs में जाना चाहते हैं, तो आप चले जाइएगा, मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ, लेकिन आप जरा सोचिएगा बैठ के कि यार क्या मतलब आपको क्या प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज जो होती हैं वो सब टेक्नोलॉजी के स्टडीज़ में बहुत ही उनका दिमाग तेज़ चलता है, क्या इनोवेशंस लगाते हैं वो आपको पता है, बहुत ही तेज़। लेकिन साइंस की स्टडीज़ में आपको बहुत कम मिलेगा, ठीक है। तो आप इन सब बातों को सोच के ही कहीं ना कहीं एडमिशन ले लीजिएगा, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि सामने जो आ रहा है आप उस सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तैयारी करिए और NIRF की साइट पर जाके आप देखिए। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर NIT इज़ बेटर और नॉट, मैं आपको सीधा बोल रहा हूँ NIT इज़ बैड। मतलब अगर आपको कुछ ऐसे NITs मिल रहे हैं जहाँ पर रिसर्च हो रहा है तो फिर आप जाइए, तब ठीक है। आप आपके पास है इतना, मतलब आप अफोर्ड कर सकते हैं 50,000 पर सेमेस्टर, तो आप जाइए, अदरवाइज आप मत जाइए। नॉर्थ ईस्टर्न में कभी मत जाइए, वहाँ पर तो जो भी पढ़ाई होती है वो भी BTech की होती है, MSc में तो वहाँ मतलब ज़ीरो मान लीजिए, ज़ीरो ही पढ़ाई होती है वहाँ पर, ठीक है। और साउथ इंडिया के 2-3 हैं, और अगर नॉर्थ इंडियन हैं, अगर आप दिल्ली वगैरह या UP वगैरह में रहते हैं, आपके लिए साउथ इंडिया में भी जाना थोड़ी मुसीबत वाली बात हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि खाना आपको बिल्कुल पचेगा नहीं, आप मतलब बीमार पड़ते रहेंगे तो पढ़ाई क्या करेंगे, फेल होंगे या फिर अगली बार से निकाल दिए जाओगे। तो उससे बेटर तो ये है कि अपने आसपास जो अवेलेबल यूनिवर्सिटी हैं आप वहाँ पर अप्लाई करिए, मिल जाएगा तो आप उसके बाद IIT में जाइए, आपको और एज हो जाएगा, आप समझ हो जाएगी आप, ठीक है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, और इस बार टॉप रैंकर्स की भी हालत ख़राब होने वाली है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, जिनकी रैंक 200 के भी अंदर है उनकी हालत ख़राब होने वाली है। क्योंकि हो सकता है कि सेम रैंक लाने वालों की संख्या ज़्यादा हो जाए, फिर 100 से 200 वाले जो जितने भी रैंक वाले हैं उसमें दो दो स्टूडेंट, एक एक स्टूडेंट हो, तो फिर जब स्टूडेंट्स बढ़ेगा तो एडमिशन तो सबको देना पड़ेगा। सीट्स कितने हैं, 25-30 सीट्स हैं, 30 तो बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, 20-25 सीट्स हैं सभी IITs में। और नए IIT तिरुपति तो आप लोग भूल जाइए, IIT तिरुपति में कोई फिजिक्स का कोर्स नहीं है, सिर्फ मैथ्स का कोर्स इस बार MSc मैथ्स का। तो जो स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं नए IITs ऐड हुए हैं तो सीट्स बढ़ गई, जो मैक्सिमम 50 सीट्स बढ़ी हैं, जो कि IIT भिलाई, IIT वाराणसी और IIT पलक्कड़ की वजह से। तिरुपति में फिजिक्स का कोई कोर्स नहीं, ठीक है, या आप देख सकते हैं आप कोई ऐसा है IIT पलक्कड़ या तिरुपति में से जो फिजिक्स का कोर्स नहीं दे रहा, ठीक है। अब हम आते हैं IISER पे।
कि सर आइजर्स में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखिए मैं आपको बता दूँ, आइजर पूना, आइजर मोहाली, आइजर आइजर भोपाल, ये तीनों जो हैं ये तीनों हमेशा जेस्ट को प्रेफर करते हैं, या इवन आइजर तिरुवनंतपुरम भी जेस्ट को प्रेफर करते हैं। जिनकी जेस्ट में रैंक 250 के नीचे होती है वो हमेशा उनको बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो ये बात आप अपने दिमाग में फिट कर लो कि आइजर का रास्ता क्या खुला हुआ है। आइजर बहरामपुर कोई कोर्स प्रोवाइड नहीं करा रहा है इंटीग्रेटेड पीएचडी में, मैंने वेबसाइट पर पढ़ा है, आप लोग भी जाके देख सकते हैं। आइजर तिरुपति में जाना अभी कोई ठीक नहीं है, क्योंकि वो तिरुपति वाला जो है वो बिल्कुल ब्रांड न्यू आइजर है, उसका जो कैंपस भी है वो अभी ढंग से तैयार नहीं हुआ है, और फैकल्टीज जो है वो आइजर पूना वाले ही वहाँ पर जाके पढ़ाते हैं। तो आप सोच लीजिए, अगर आइजर पूना में पढ़ाने के लिए जाएंगे तो आपको नहीं पढ़ाएंगे, आपको पढ़ाएंगे तो आइजर पूना में नहीं जाएंगे। ये थोड़ा सिस्टम थोड़ा अभी गलत है, क्योंकि ये सारे न्यू आइजर्स हैं। आइजर तिरुवनंतपुरम में आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आइजर तिरुवनंतपुरम में जैम अप टू ओनली 1000 रैंक्स, आईआईटी आइजर तिरुवनंतपुरम में 1000 रैंक जिनकी है वही अप्लाई करिए। फालतू में वो पैसा मांगते हैं 500-800 रुपए एप्लीकेशन के टाइम पर, तो वो भी आपका लॉस हो जाएगा। और आप ट्रेन में इतना घूमेंगे दिल्ली से या यूपी से तिरुवनंतपुरम जाएंगे तो थोड़ा उसमें भी खर्चा आ जाता है एक्सपेंडिचर। तो उससे बेटर तो ये है कि आपको पढ़ाई करनी है, आपको फिजिक्स पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ने के लिए कोई मतलब एक बेटर इन्वायरमेंट की भी जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मैं आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बोल रहा हूँ तो आपको कचरे के डब्बे में बैठ के पढ़ना पड़ेगा। आपको वहाँ पर भी क्लासरूम्स इतने अच्छे अच्छे बने हुए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी या जेएनयू में कि आपको बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा। 20-25 स्टूडेंट्स ही पढ़ते हैं क्लास में, 150-150 बच्चे नहीं पढ़ते हैं क्लास में। तो ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। और भूल जाइए अपने आईआईटी जैम के बेकार वाले रिजल्ट को। और जिन्होंने जो स्टूडेंट जिनकी रैंक जो है वो 100 से नीचे है या 200 के नीचे है, और उनका जेस्ट में भी थोड़ा अच्छा रैंक है 200 के नीचे 150 के नीचे, तो मैं आपको प्रेफर कर रहा हूँ, मैंने पोस्ट भी डाला था कि जिनको जिनका आईआईटी जैम और आईआईटी जेस्ट सॉरी आईआईटी जैम और जेस्ट दोनों में ही हो गया है, उनको जेस्ट के बेसिस पर मैं रिकमेंड करूँगा अप्लाई करिए, जैम के बेसिस पर मत करिए। हो सकता है कि जो आपके भाई हैं जिनकी रैंक थोड़ी ख़राब आई है उनका जो होप है वो थोड़ा बढ़े कि यार अब शायद मुझे एडमिशन मिल जाए, ठीक है। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, आपके पास अभी बहुत अपॉर्चुनिटी बाकी है, फिजिक्स से जुड़े रहिए, फिजिक्स को मत तोड़िए कि यार मैं बीएससी मैंने कर ली फिजिक्स से तो अब मैं जा रहा हूँ किसी दूसरे स्ट्रीम में, मैं सिविल सर्विस। हाँ, आपके पास अगर आपने सोचा ही है सिविल सर्विस में जाने का या एमसीए वगैरह करने का तो फिर ठीक है, लेकिन अगर आपके पास पैशन है, आप फिजिक्स ही पढ़ना चाहते हो, आप कॉस्मोलॉजी वगैरह में जाना चाहते हो, तो आप जुड़े रहिए। एमएससी फिजिक्स आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से करिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से करिए, एचसीयू से करिए, बहुत अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हैं, बेटर देन सम आईआईटीज टू, ये ध्यान रख लीजिए, ठीक है। सो इतनी बातें आप अगर मेरी बातें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो बहुत ही अच्छा समझूंगा कि मेरी बातें आपको काम आ रही हैं। एक बार फिर आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, आप होली ढंग से खेलिएगा, ठीक है, ज़बरदस्ती किसी पे कलर मत डालिएगा, गुब्बारों का सिस्टम आप बंद कर दीजिए, अब आप बड़े हो चुके हैं, और आप खूब खाइए पिए, भूल जाइए कि आपका जो आईआईटी जैम का रिजल्ट था, आप खुशी मनाइए कि होली का त्यौहार है, ठीक है। उसके बाद आप तैयारी शुरू करिए 22 तारीख से अपने जेएनयू डीयू और बीएचयू के एंट्रेंस के लिए, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, ख्याल रखिए अपना, एक बार फिर होली की शुभकामनाएं, गुड बाय, टेक केयर।